हेलो एंड वेलकम बैक टू हीलिंग वेदा। आज हम बात करने वाले हैं गर्भ संस्कार के बारे में। ये नाम सुनकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक सिर्फ महिलाओं के लिए है या प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से समाज के हर एक व्यक्ति को और परिवार के हर एक सदस्य को इसके बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले कि मैं गर्भ संस्कार के बारे में आपसे डिटेल में बात करूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों में शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे कुछ सीखने के लिए मिले। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे बात करूं तो वो टॉपिक आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में उन टॉपिक्स के बारे में आपसे बात कर सकूं या वीडियो बना सकूं। आइए अब हम बात कर लेते हैं गर्भ संस्कार होता क्या है। गर्भ का मतलब होता है फीटस यानी कि भ्रूण। संस्कार का मतलब होता है एजुकेट करना, ज्ञान देना। दोनों शब्दों को अगर मिला दिया जाए तो इसका मतलब होता है एजुकेटिंग द माइंड ऑफ द फीटस, यानी कि गर्भ में ही बच्चे के बुद्धि को संस्कार देना। मेरे हिसाब से गर्भ संस्कार एक सब्जेक्ट है, ये एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है और इसको हम सभी को जानना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। ऐसा मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अच्छे समाज का निर्माण करने की। एक अच्छी और स्वस्थ सोच और एक स्वस्थ व्यक्तित्व दोनों मिलकर एक स्वस्थ और अच्छी सोच वाला समाज बनाते हैं, और इस तरीके की कल्चर्ड सोसाइटी या सुसंस्कृत समाज बनाता है एक प्रगतिशील अच्छी सोच वाला देश। तो सोचिए आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न सिर्फ आपको अपना जनरेशन सुधारना है, बल्कि आपको सुधरे हुए जनरेशन से एक पूरे सुधरे हुए समाज और पूरे सुधरे हुए देश का निर्माण करना है। है ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है गर्भ संस्कार। ये कैसे पॉसिबल है गर्भ संस्कार से, ये हम देखते हैं और समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। हिंदू धर्म ग्रंथ में मानवीय जीवन को सुखी, शांति और समृद्धि युक्त बनाने के लिए 16 संस्कारों की बात की गई है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण संस्कार गर्भ संस्कार है। मनुस्मृति में आदि पुरुष मनु ने भी गर्भाधान संस्कार को एक अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संस्कार बताया है। गर्भ संस्कार एक प्रयोग है जिसका उपयोग महिलाओं द्वारा करने और करवाने का विधान है, जिसके प्रभाव से माता एक सुंदर, ओजस्वी, तेजस्वी, श्रेष्ठ एवं प्रतिभाशाली संतान को प्राप्त कर सकती है। गर्भ संस्कार का शाब्दिक अर्थ है गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को गर्भ में ही ज्ञान देना। इस प्रकार से विज्ञान और हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि गर्भावस्था वह महत्वपूर्ण समय है जिसमें यदि माँ चाहे तो इच्छा अनुसार संस्कार अपने होने वाली संतान में डाल सकती है, यहाँ तक कि शिशु के रूप रंग को भी अपने विचारों से प्रभावित कर सकती है। यह गर्भ संस्कार का ज्ञान हम पुराणों, धार्मिक ग्रंथों में पाएंगे, जिससे आयुर्वेद में भी उल्लेखित किया गया है। आयुर्वेद यह मानता है कि शिशु का मानसिक और व्यवहारिक विकास तब से ही शुरू हो जाता है जब से वह माँ के गर्भ में स्थापित हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी यह मानता है कि शिशु के दिमाग का 60-70% विकास माँ के गर्भ में ही हो जाता है, यहाँ तक कि शिशु माँ के गर्भ में सुन सकता है, देख सकता है, स्पर्श महसूस कर सकता है। इस समय गर्भ संस्कार के उपयोग से माँ अपने बच्चे में सारी अच्छी बातें डाल सकती है, जिससे वह एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति बन सकता है। गर्भावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण समय है जब शिशु में लाखों गुना का विकास होता है। एक छोटे से अंडाणु या ओवम्स और शुक्राणु या स्पर्म, जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखा नहीं जा सकता है और जो वजन में 1 ग्राम से भी 1000 गुना कम होते हैं, उनके संयोग से 2.5 से 3 किलो का बच्चा बनना लाखों गुना की बढ़ोतरी से संभव होता है। यह सारे विकास इतने गुना स्तर पर माँ के गर्भ में ही हो जाते हैं, जो कि फिर एक शिशु के जन्म के बाद उसके पूरे जीवन काल में कभी नहीं होते हैं। गर्भावस्था के दौरान शिशु के अवचेतन या सबकॉन्शियस मन का विकास हो रहा होता है, जिसमें सारे सूक्ष्म संस्कार होते हैं। इसलिए इस समय माँ मनचाहे संस्कार अपनी संतान में डाल सकती। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमने अभिमन्यु का नाम सुना, जिसने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़कर प्रवेश करना सीख लिया था। साथ ही प्रहलाद की कथा भी हमने पुराणों में सुनी है, जिसमें प्रहलाद की मां गर्भवती होने पर भगवान विष्णु की पूजा करती है और भगवान विष्णु की कथाएं सुनती हैं, जिसके प्रभाव से प्रहलाद भी विष्णु भक्त होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा सुन सकता है और प्रतिक्रिया कर सकता है। डॉक्टर और जानकार यह मानते हैं कि माँ के विचारों से जिन हार्मोन्स की सक्रियता होती है, उसका जन्मे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है।
साधारण तरीके से कहा जाए तो सकारात्मक सोच का सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक सोच का नकारात्मक प्रभाव बच्चे पर माँ के गर्भ में ही पड़ता है। इस तरह गर्भ संस्कार से न केवल बच्चे में अच्छे संस्कारों की नींव मजबूत होती है बल्कि उसका अपनी माँ से भी भावनात्मक लगाव होता है, साथ ही माँ भी स्वस्थ होती है। गर्भ संस्कार में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम बताते हैं करने के लिए, जैसे कि अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से बात करना, ये एक बहुत स्पेशल टेक्निक है। योग है, ध्यान, आध्यात्मिक संगीत सुनना, विशेष मंत्र आपको बताए जाते हैं जिसे आपको सुनना होता है, पढ़ना होता है। इस तरीके से अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ सारी टेक्निक्स के बारे में, कैसे गर्भवती स्त्री पर गर्भ संस्कार का पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कैसे हम सारे गुण, मन चाहे गुण अपने बच्चे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन सारी जानकारियों को पाने के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे वीडियोस को देखें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरे साथ जुड़े रहें और पूरी जानकारी प्राप्त करें गर्भ संस्कार के बारे में।